श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए बताते चले, और ये बड़ी खबर नौतपा से जुड़ी हुई है, क्योंकि नौतपा 9 दिनों तक चलने वाली है। इस बीच भीषण गर्मी को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार के सख्त निर्देश भी आ गए हैं। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि बिजली पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। नौतपा में स्वास्थ्य, पीएचईडी, ऊर्जा विभाग तत्पर रहे, अधिकारियों को क्षेत्र में प्रभावी मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नौतपा के चलते जहां भीषण गर्मी अब कहर बरपा रही है, लोगों का जीना मुहाल हो चुका है, उस बीच में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बड़े निर्देश दिए हैं। चाहे वो अफसरों को सख्त निर्देश दिए गए हों या फिर विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, साफ तौर पर कहा गया कि पीएचईडी, ऊर्जा और स्वास्थ्य विभाग के जितने भी जो भी विभाग है, अधिकारी हैं, वो तत्पर रहे, क्योंकि गर्मी से तमाम लोगों की जान जा रही है। गर्मी लगने की वजह से, लू लगने की वजह से तमाम लोगों के स्वास्थ्य बिगड़ रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य महकमा एक्टिव मोड पर रहे। पीएचईडी पानी को लेकर कोई भी कहीं पे भी किल्लत, क्योंकि लगातार राजस्थान में पानी की किल्लत भी हो रही है, ऊर्जा, बिजली कटौती लगातार हो रही है, तो ये सब विभाग बिल्कुल तत्पर रहे, क्योंकि इन सब चीजों की वजह से और भीषण गर्मी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। इसीलिए नौतपा को देखते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बड़े निर्देश दिए हैं, प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। और इसके पहले भी राज्य सरकार के द्वारा विभागों के अधिकारियों की छुट्टियां, कलेक्टर डीएम की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई थी, क्योंकि भीषण गर्मी चल रही है, इस बीच में छुट्टियों को भी रद्द किया गया था। अब नौतपा को देखते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार ने विभागों को एक्टिव मोड पर रहने के भी निर्देश जारी किए हैं। हालांकि जगह जगह पर टैंकर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि जो हवा चले वो ठंडी चले, लोगों को थोड़ी राहत मिल पाए। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रोशन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोशन, पहले तो अधिकारियों की छुट्टियां रद्द की गई, लेकिन अब नौतपा के चलते राज्य सरकार ने बड़े निर्देश दिए हैं। जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश के अंदर जो तापमान है वो 50 डिग्री पार है, ऐसे में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने चिकित्सा, स्वास्थ्य और पीएचईडी विभाग के अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो विभाग है वो पूरी तरीके से तत्पर रहे, किसी भी तरीके से चाहे जल आपूर्ति हो या विद्युत आपूर्ति हो वो प्रभावित नहीं हो। साथ ही साथ जो नौतपा को लेकर चिकित्सा विभाग के, कहा जा सकता है कि डॉक्टर्स हैं, उनकी जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी है, और साथ ही साथ तत्पर रहने के निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके की स्थिति में जो तमाम विभाग हैं वो पूरी तरीके से तैयार रहे, प्रदेश की जो जनता है उनकी, कहा जा सकता है कि सेवा के प्रति जो समर्पित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों के कार्यों की सराहना भी की, उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा है कि ऊर्जा विभाग जिस तरीके से तत्पर है, लगातार मुझे फीडबैक मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं जो विद्युत आपूर्ति प्रभावित हो रही है वो उसे भी हम जल्द से जल्द यहाँ पर जो ठीक करने के, यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। विगत दिनों मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने, कहा जा सकता है कि जब अधिकारियों की मीटिंग ली थी, तो स्पष्ट निर्देश दिए थे कि प्रत्येक जिले के ऊपर कंट्रोल रूम है वो यहाँ पर बनाया जाए, कॉल सेंटर की मदद से किसी भी तरीके की जो विद्युत आपूर्ति हो या जल आपूर्ति हो प्रभावित नहीं हो। साथ ही साथ अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र के अंदर जो प्रभावी जो मॉनिटरिंग के निर्देश दिए, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन, तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और एक और बड़ी खबर आपको गुजरात के राजकोट से बताते चले, जहां पर टीआरपी अग्निकांड में एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया। दरअसल गेमिंग जोन में आग लगने से अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। पहले तो यह आंकड़ा कम था, लेकिन धीरे धीरे यह आंकड़ा बढ़ रहा है। गेमिंग जोन का मालिक और मैनेजर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक मदद की भी घोषणा कर दी गई है। घायलों के इलाज के लिए 50-50 हजार रुपए की मदद की घोषणा की गई। राजकोट अग्निकांड मामले में अब एसआईटी भी गठित कर दी गई है। एसआईटी ही अब जांच करेगी। आईपीएस सुभाष त्रिवेदी की अध्यक्षता में यह एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी टीम मौके से कई अहम सुराग जुटाए और सुराग जो जुटाए गए हैं, अभी और आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा कि आखिर किसकी लापरवाही या क्या ऐसा हुआ था जो इतना बड़ा टीआरपी जोन में, गेमिंग जोन में इतनी बड़ी भीषण अग्निकांड हुआ, जिसमें 28 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मौके पर मुख्यमंत्री भी पहुंचे और मुख्यमंत्री गुजरात के और साथ ही पीएम ने दुख भी जताया। सीट जो बनाई है उसमें हमारे साथ डायरेक्टर एफएसएल संघवी साहब, मैं, फायर के कुछ ऑफिसर्स, उन सबकी एक सीट है
जो अभी शुरू से काम करेगी, किस डिपार्टमेंट में क्या क्या किया गया है उसकी पूरी तहकीकात होगी। गुजरात का राजकोट उस हादसे का गवाह बना जिसने मासूमों की चीखों, मातम के शोर और सिसकियों को खामोश होते देखा, जिसने सुनी है आह भरते बच्चों की चीखें, महसूस किया है कराहते बच्चों का दर्द, आग से झुलसते देखे हैं धड़ और दफन होते देखे हैं शव। ये वो राजकोट है जहां अग्निकांड के बाद मौत, दर्द और चित्कार ने सभी को दहला कर रख दिया है। टीआरपी गेम जोन में धधकती इस आग ने अब तक 27 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। कई लोगों के शव अब तक गेम जोन के मलबे में दबे हैं। आग से झुलसे शवों की हालत ये है कि परिवार वाले पहचानने से इनकार कर रहे हैं। आग से खाक हो चुके शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट करवाया जा रहा है। शनिवार को शाम करीब 4 बजे थे, गेमिंग जोन में बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद थी। दावा है कि तभी शॉर्ट सर्किट से निकली एक चिंगारी ने गेमिंग जोन के इस इलाके को झुलसाना शुरू कर दिया। जब तक गेमिंग जोन प्रशासन कुछ समझ पाता, देखते ही देखते गेमिंग जोन आग की लपटों से घिर गया और राजकोट के इस इलाके में शोर और चीखों की गूंज सुनाई देने लगी। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन गेमिंग जोन में फाइबर और टायर में लगी आग ने थमने का नाम नहीं लिया। चौकस अभी आग नहीं मिला है, मैं भी ऊपर कामगिरी में था। ये किस प्रकार का रेस्क्यू था, इससे पहले राजकोट में आग भी था? राजकोट में ये पहला बना हुआ है, ऐसा कभी रेस्क्यू नहीं हुआ था। अंदर आपने कितना लोगों ने अंदर से बाहर करवाया? अभी कितने हो गिनती नहीं हुई, मैं ये साइड था वो साइड, दोनों साइड से बॉडी नीचे उतार रहे थे। मैं 26 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ, अब फायर स्टेशन ऑफिसर का ड्यूटी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी लाइफ के अंदर ये पहला कॉल ऐसा था। कितना लोगों ने ही थी अंदर से बाहर? अभी कितने लोग निकले उसका गिनती नहीं हुआ, चौकस हम नहीं कह सकते। गेमिंग जोन में हुए इस अग्नि तांडव का अंदाजा इस बात से लगाइए कि दमकल कर्मी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इस हद तक मचे अग्निकांड को कभी नहीं देखा। आग की तपिश ऐसे समझिए कि कई शवों की हालत ऐसी है कि उनकी पहचान करना तक मुश्किल हो गया है। बिलखते परिवारों के दर्द का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अग्निकांड के बाद गेमिंग जोन में एक तरफ आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी, दूसरी तरफ गेमिंग जोन से लाशों की कतार निकल रही थी। कतार भी ऐसी कि लाशों को ढकने के लिए कफन तक कम पड़ गए थे। तो आसपास के लोग अपने घरों से चादर लाकर आग से झुलसे जिस्म के उन चीथड़ों को ढकने लगे जो कुछ वक्त पहले तक गेमिंग जोन में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे थे। अग्निकांड मामले में पुलिस ने गेमिंग जोन के मालिक युवराज सिंह सोलंकी और उसके मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पे जो दुखद घटना बनी है उसके तहत पुलिस द्वारा अभी कार्रवाई चालू है और यहाँ का जो जो मालिक हैं और मैनेजर हैं उनको पुलिस ने पुलिस स्टेशन में अभी पूछ परछ के लिए ले गए हैं। किस प्रकार का गुनाह उनके सामने दाखिल है? अभी नेग्लिजेंस का है गुनाह और बाकी इसमें अभी आगे जो फायर सेफ्टी वाले हैं उनकी जो रिपोर्ट आएगी, एफएसएल की रिपोर्ट आएगी, उसके ऊपर से आगे की कार्रवाई नक्की की जाएगी। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। अग्निकांड में झुलसे लोगों को राजकोट सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आग इतनी विकराल थी कि इसकी लपटों को आसपास के घरों तक महसूस किया गया और गेमिंग जोन से निकल रहे धुएं को 1 किलोमीटर दूर से देखा गया। फिलहाल मामले को संज्ञान में लेते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता का ऐलान किया है। चलिए अब स्पेशल रिपोर्ट में बात करते हैं। बांग्लादेश के एक सांसद की हत्या बहुत ही बेरहमी से हुई है। इस कत्ल में एक खूबसूरत महिला से लेकर एक बेहद खतरनाक कसाई तक का इस्तेमाल हुआ है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश में इस क्रूर हत्याकांड की काफी चर्चा है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट पर।
बांग्लादेशी सांसद मर्डर केस की कहानी किसी फिल्मी थ्रिलर जैसी नजर आ रही है। ये ऐसी डरावनी फिल्म है जिसमें कसाई भी है और हनी ट्रैप में फंसाने वाली एक खूबसूरत लड़की भी है। इस कहानी में बिजनेस की रंजिश भी है, राजनीति की पावर भी है और दो मुल्कों के बीच इन्वेस्टिगेशन का एंगल भी है। हत्याकांड इतना क्रूर है कि बांग्लादेशी सांसद का मांस काट दिया गया, हड्डियां तोड़ दी गईं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि साजिश को बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया था। आखिर क्या है इस मर्डर केस का राज जिसमें दो देशों की जांच एजेंसियां उलझी हुई हैं? आखिर वो कौन सी दुश्मनी थी जिसने एक बांग्लादेशी सांसद की जान ले ली? आखिर कैसे लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक सांसद की चमड़ी तक उतार दी गई? कोई सोच न सके ऐसा प्लान तैयार किया गया। हर सवाल का जवाब आपको हम देने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर इस सांसद का राजनीतिक कद बांग्लादेश के अंदर क्या था। लंबे समय से आवामी लीग बांग्लादेश के अंदर राज कर रही है और अनवारुल अजीम इस पार्टी से सांसद थे। अनवारुल अजीम अनार शेख हसीना के आवामी लीग पार्टी से सांसद थे जो जेनादा 4 सीट से 2014, 2018 और 2024 में चुनाव जीत चुके थे। जब विश्वास को काफी कोशिशों के बाद भी अनवारुल के बारे में कुछ मालूम नहीं हुआ तो उन्होंने इस बारे में 18 मई को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। 22 मई को उनका शव कई टुकड़ों में मिला। भारत और बांग्लादेश की एजेंसियां मिलकर इस मामले की जांच कर रही हैं। He was very frequent traveler at Kolkata and you know that he had been elected as a member of the parliament from our border area of Bangladesh. So he had a very good relationship with the Kolkata's people. Especially he has a very close friend named by Gopal Bishwas. So maybe he came here for treatment or business purposes or any other issues. सांसद की लाश को ठिकाने लगाने की सीसीटीवी फुटेज भी बरामद हुई है। बेहद खौफनाक मर्डर का किरदार एक कसाई भी है जिसने सांसद अनवारुल अजीम की चमड़ी को उधेड़ा और उसको काट काट कर कीमा बनाया, हड्डियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, तीन अलग अलग दिनों में तीन अलग अलग प्लास्टिक बैग्स में भरकर लाश को कीमा बनाकर ठिकाने लगाया गया। मांस के टुकड़ों की बदबू ना आए इसके लिए फ्रिज का भी इस्तेमाल हुआ। बैग में लाश के टुकड़ों को ले जाता हुआ शख्स सीसीटीवी वीडियो में कैद एक बड़ा सबूत है। पश्चिम बंगाल की सीआईडी ने बताया कि इस मर्डर की पूरी प्लानिंग 2 महीने पहले से की जा रही थी। अमेरिका में रहने वाले बांग्लादेशी नागरिक अख्तर उल जमान ने यह साजिश रची थी और इसके लिए कसाई को बुलाया गया था जिसका नाम था जिहाद हवलादार। कत्ल करने वालों ने हनी ट्रैप का जाल बिछाया और एक महिला का इस्तेमाल किया जिसका नाम था सेलेस्टी रहमान। इस महिला ने बांग्लादेश के सांसद के साथ दोस्ती की और उनको कोलकाता के न्यू टाउन स्थित फ्लैट में बुला लिया जहां पर कातिल और कसाई दोनों बांग्लादेशी सांसद का इंतजार कर रहे थे। फ्लैट के बाहर के कई सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। इनमें से एक में अनवारुल एक बांग्लादेशी महिला के साथ दिख रहे हैं। महिला का नाम सेलेस्टी रहमान है। पुलिस का मानना है कि उसने आरोपियों के साथ मिलकर अनवारुल को अपने जाल में फंसाया और कोलकाता आने को कहा। एक वीडियो में अनवारुल और सेलेस्टी साथ में फ्लैट में जाते हुए नजर आ रहे हैं। जांच में ये सामने आया है कि सेलेस्टी रहमान के साथ फ्लैट में जाने के फौरन बाद ही अनवारुल की हत्या कर दी गई। कत्ल का मास्टरमाइंड इस लड़की सेलेस्टी रहमान को पहले से जानता है। हत्या के वक्त सांसद को पहले बेडरूम में ले जाया गया जहां उनके मुंह को तकिए से दबाकर हत्या की गई, फिर लाश को किचन में लाकर टुकड़े किए गए। মনে করি যে পুরোপুরি না পাওয়া গেল অংশবিশেষ অবশ্যই পাওয়া যাবে আর একটু ধৈর্য ধরে আমাদের ইন্ডিয়ান পুলিশও কাজ করছে আমরাও কাজ করছি। লাশ উদ্ধার হলে মামলা রুজু হতে না মামলা তো আগেই হতে পারে। মামলা যখন কলকাতা পুলিশ নিশ্চিত হয়েছে এবং আমরা তাদেরকে তথ্য দিয়েছি। हत्या के लिए 5 करोड़ बांग्लादेशी टका की सुपारी दी गई थी। जिस फ्लैट में सांसद की हत्या हुई उस फ्लैट का मालिक उत्पाद शुल्क विभाग में कर्मचारी है। उसने ये फ्लैट अपने दोस्त को किराए पर दिया था। बांग्लादेश में भी इस मामले की जांच हो रही है। बांग्लादेश के गृह मंत्री ने बताया कि सांसद की हत्या के केस में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
हत्या के लिए बांग्लादेशी टका में 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई। अख्तरुज़्ज़मा का कोलकाता में ही एक फ्लैट भी है। पुलिस को अख्तरुज़्ज़मा की लोकेशन नहीं पता, लेकिन उनका मानना है कि वो फिलहाल अमेरिका में है। पूछताछ के दौरान कसई जिहाद हवलादार ने बताया कि वो 2 महीने पहले ही कोलकाता आया था। उसने कहा कि अख्तरुज़्ज़मा ने उसे सांसद अनवारुल के शव के टुकड़े करने के लिए हायर किया था। हत्या की साजिश को अंजाम देने के लिए 2 महीने पहले ही मुझे बांग्लादेश से कोलकाता बुलाया गया था। ये कसाई पहले बांग्लादेश से हिंदुस्तान आया, फिर मुंबई गया और फिर 1887 किलोमीटर का सफर तय कर मुंबई से कोलकाता आया। जांच के मुताबिक 2014 में सदन पहुंचने के बाद उन्होंने झेना इदाह में सोने की स्मगलिंग को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जिस कारण वो टारगेट किए गए। द डेली स्टार की न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में सोने की तस्करी करने वाले झेना इदाह के कुछ व्यवसायी और जशोक के एक राजनीतिक नेता अजीम से नाराज हो गए थे। डेली स्टार का दावा है कि सांसद अनवारुल अजीम का कोलकाता में अवैध सोने का कारोबार था और इसी को लेकर पार्टनर अख्तरुज़्ज़मा से उनकी अनबन हो गई थी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताते चले, अहमदाबाद में सोने की तस्करी का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। डीआरआई ने अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक होटल से 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से करीब 8 करोड़ का सोना जब्त किया गया है। अब तक की जांच में यह पता चला है कि यह सोना दुबई से लाया गया था और इसकी सप्लाई चेन्नई और मुंबई में होनी थी, लेकिन इस बीच डीआरआई ने बड़ी कामयाबी हासिल की और बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 8 करोड़ के आसपास की कीमत बताई जा रही है सोने की। मुंबई और चेन्नई में इसकी सप्लाई होनी थी और दुबई से यह सोना लाया गया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त डीआरआई ने जब्त किए हैं लगभग 8 करोड़ के आसपास के सोने। 10 लोगों को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए डीआरआई ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। दुबई से तस्करी कर यह सोना लाया गया था और मुंबई और चेन्नई में इस सोने की सप्लाई होनी थी। तो सोने की तस्करी में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अहमदाबाद से आपको खबर बता रहे हैं, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर डीआरआई ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सोने की तस्करी के खिलाफ ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। और 24 घंटे बाद पाकिस्तान कंगाल। पाकिस्तान किसी भी वक्त खुद को दिवालिया घोषित करने की हालत में पहुंच चुका है। नया ब्लैकआउट पैकेज देने के लिए, बेल आउट पैकेज देने के लिए आईएमएफ की यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की जो टीम इस्लामाबाद पहुंची थी वो बैरंग वापस लौट गई। पाकिस्तान को आईएमएफ ने 6 शर्त मानने को कहा है। पाकिस्तान ये शर्त मानता है तो देश में जिस आटे दाल का भाव अभी आसमान पर है वो जनता को मिलना तक मुश्किल हो जाएगा। देखिए रिपोर्ट। गिड़गिड़ाते रह गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। आईएमएफ अधिकारियों ने अनसुनी कर दी पाकिस्तान की फरियाद और कर्ज मांगने से पहले मिल चुके कर्ज को चुकता करने का दिया ऑर्डर। पाकिस्तान की खुद को दिवालिया घोषित करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3, 4 या 5 हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो महीने भर, माने जुलाई तक पाकिस्तान कंगालों की उस लिस्ट में शुमार हो जाएगा जिसके पास दिवालिया घोषित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।
साल दर साल की गरीबी ने पाकिस्तान को गर्त में धकेल दिया है। अब ना संभलने का वक्त है, ना बच पाने का, ना ही उबर पाने का। इस्लामाबाद में जो सरकार है उसका तो हाल ही मत पूछिए। ना कोई प्लान है, ना कोई मददगार है, ना विजन है, ना मुल्क को बचाने का नेक इरादा है। पाकिस्तान क्यों करेगा खुद को दिवालिया घोषित, इसके एक नहीं कई कारण हैं। लेकिन यहां आपको पांच मुख्य वजहें दिखाते हैं, उसके बाद हर एक वजह की डिटेल आपकी स्क्रीन पर होगी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जिस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के सामने झोली फैलाई थी, उस IMF ने टका सा जवाब दे दिया कि नो मोर। अभी और सुनिए, पाकिस्तान की कर्ज मांगने वाली मंत्रियों अधिकारियों की टोली IMF से गुहार लगाती रही कि जरा एक नजर हमारी मुफलिसी पर डालो, बहुत ज्यादा नहीं तो 2 जून की रोटी का ही जुगाड़ कर जाओ। लेकिन IMF के अधिकारियों की टीम का सुनना तो दूर, टीम बोरिया बिस्तर समेट कर इस्लामाबाद से चलती बनी। और चलिए एक नजर आज की सुर्खियों पर डाल लेते हैं। महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल, माही का महाकोश। आखिरी चरण के लिए प्रधानमंत्री का धुआंधार प्रचार, पीएम मोदी आज यूपी के 3 जिलों में भरेंगे हुंकार, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जुटाएंगे समर्थन। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा बीजेपी हमेशा बड़ा लक्ष्य लेकर चलती है, 400 पार के लक्ष्य से बौखलाया विपक्ष। रात 8 बजे देखिए पूरा इंटरव्यू। चुनाव प्रचार के बीच जयपुर की जनता के बीच सीएम भजनलाल, जयपुर के सेंट्रल पार्क में पक्षियों के लिए लगाए परिंडे, कहा सभी को घर की छत और पेड़ पर लगाने चाहिए परिंडे। गुजरात के राजकोट में भीषण अग्निकांड, TRP गेम जोन में आग से 28 लोगों की मौत, मृतकों के परिजनों को 4 लाख मुआवजे का ऐलान, पीएम ने हादसे पर दुख जताया, घटना की SIT करेगी जांच। महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल, माही का महाकोश। अमूल बटर मिल्क बना है, अमूल प्रोबायोटिक बटर मिल्क। इस पर निश्चित रूप से आने वाले समय में विभाग और सरकार रिव्यू करेगी। बता दें कि 1998 से 2013 तक 13 मुस्लिम जातियों को OBC में आरक्षण दिया गया, सरकार इनके सर्कुलर की समीक्षा करेगी, जिनमें सिंधी मुसलमान, नागौरी मुसलमान, धोबी मुस्लिम, कायम खानी, नगरची दमामी मुस्लिम, राणा मुस्लिम, बारोट मुस्लिम, मदारी, बाजीगर गैर हिंदू, नट गैर हिंदू, मोची गैर हिंदू, लखारा और फकीर शामिल है। मंत्री अविनाश गहलोत के बयान पर सियासी माहौल गर्मा गया है। मुस्लिम आरक्षण के रिव्यू को लेकर कांग्रेस का कहना है कि मंडल कमीशन की सिफारिश में जो रिपोर्ट बनाई गई उसमें जिन जातियों का उल्लेख है उन्हें ही आरक्षण दिया गया। मंडल कमीशन की सिफारिशों के पश्चात विभिन्न धर्मों के विभिन्न 3,700 से अधिक जातियों को OBC में आरक्षण दिया गया था, जो पूरे देश भर में अनेक प्रदेशों में लागू है। और मंडल कमीशन की सिफारिश में, मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाई उसमें जिन जातियों का उल्लेख है उन्हें ही आरक्षण दिया गया है, जिसमें विभिन्न धर्मों की विभिन्न जातियों का आरक्षण दिया गया था। भजनलाल सरकार के मुस्लिम जातियों के आरक्षण का रिव्यू करने की मंशा को लेकर अब सियासी विवाद तय माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के कुछ समय बाद विधानसभा का बजट सत्र है, सरकार विधानसभा सत्र से पहले इसे लेकर कोई फैसला करती है तो सदन में विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा जरूर बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। कैंडिडेट हूं और एज पर लॉ कैंडिडेट हैज अ राइट टू चेक द आइडेंटिटी कार्ड विदाउट फेस मास्क। ओबीसी साहब के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ओबीसी साहब, आपने तो 15-16 साल की बच्चियों को बुर्का पहना कर फेक वोटिंग दिलवाई है। ये बीजेपी का नाटक है, नौटंकीबाजी है, किसी भी तरह मुसलमान महिलाओं को परेशान करना, उनको बेइज्जत करना। दिल्ली में ऐसे कई बूथ हैं जहां एक वर्ग विशेष के आड़ में बोगस वोटिंग डाली जाती है, हर बार इस तरह की घटनाएं होती हैं।
पहले चेहरा दिखाओ फिर बटन दबाओ। दिल्ली में चुनाव से पहले ये मांग बीजेपी कर रही है। बीजेपी को आशंका है कि बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग हो सकती है, इसलिए बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और ये मांग की कि फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए बुरके में आने वाली महिलाओं की अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जाए, इसके बाद ही उन्हें वोटिंग की इजाजत दी जाए। लेकिन बीजेपी की इस मांग से AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम महिलाओं को परेशान करने के लिए बीजेपी ऐसी बेतुकी मांग कर रही है। कल हमने चुनाव आयोग से गुजारिश की थी कि जो भी व्यक्ति वोट डालने जाए वो नकाब पहन के जाए या मास्क लगा के जाए या पर्दा नशीन बुरका पहनकर आए, उनकी फेस की पहचान, चेहरे की पहचान बिल्कुल क्लियर होने के बाद ही वोट कास्ट का अधिकार होना चाहिए। ओवैसी साहब के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ओवैसी साहब, आपने तो 15-15 साल 16-16 साल की बच्चियों को बुरका पहना कर फेक वोटिंग दिलवाई है। ये बीजेपी का नाटक है, नौटंकीबाजी है, किसी भी तरह मुसलमान महिलाओं को परेशान करना, उनको बेइज्जत करना, इसलिए सब किया जा रहा है। बुरखा उतार के देखेंगे, चेहरा नकाब निकाल के देखेंगे, क्या ये सब? पिछले दिनों आपने, हमने सबने देखा, हैदराबाद की जो महिला उम्मीदवार थी वो तो पोलिंग बूथ पर जा जाकर सबके नकाब उठाकर देख रही थी अपने हाथों से। कुछ दिनों पहले ही हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बुर्का पहने मुस्लिम महिलाओं की जांच करती नजर आईं। इसको लेकर हंगामा मच गया और चुनाव आयोग ने भी उनके खिलाफ केस दर्ज किया। हालांकि उस दौरान फर्जी वोटिंग के कोई सबूत नहीं मिले थे, लेकिन बिहार के दरभंगा में बुर्के में फर्जी वोटिंग के सबूत भी मिले और केस भी दर्ज हुआ। दरभंगा में पांचवें चरण की वोटिंग के बाद 100-150 लोगों की भीड़ ने पुलिस थाने पर धावा बोल दिया और बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग के आरोपियों को छुड़ा ली गई। पुलिस ने इस मामले में करीब 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश के लिए SIT का गठन किया गया है। बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग को लेकर उठ रहे इन्हीं सवालों के बीच दिल्ली में 25 मई को होने वाले चुनाव में बीजेपी बुरका पहनकर आने वाली महिलाओं की अच्छी तरह से जांच की मांग कर रही है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीच चुनाव मुस्लिम आरक्षण पर तनाव, आरक्षण की परीक्षा 4 जून के बाद समीक्षा।